आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेहनत की कमाई, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग यही चैप्टर पढ़े थे, इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मेहनत की कमाई, चैप्टर 8, पेज नंबर 49, ओके। तो ये एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक कहानी मीन्स प्रेरणादायक, यानी कि इसको पढ़ के तुम कुछ सीखते हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने तुमको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने हार्डवर्ड भी बोला था, ठीक है। सारा हार्डवर्ड अंडरलाइन किया था और तुम लोगों को मैंने ये जो ऑफलाइन क्लास था उसमें मैंने ये भेजा था। तो तुम लोग शायद ये चैप्टर पढ़े भी होगे और हार्डवर्ड जो है वो लर्न भी कर चुके होगे, ठीक है। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे ये पेज नंबर 49, 50 और 51 के आधे तक हम लोगों ने हार्डवर्ड किया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ, पेज नंबर 51, ठीक है, 51 शब्द अर्थ, ओके। अब देखो, मैं ये जो शब्द अर्थ है इसको तुम जो कठिन शब्द है उसको नंबर 1 में रखोगे और ये जो शब्द अर्थ है ये नंबर 2 में रखोगे, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को पढ़ रही हूँ, इसका उच्चारण भी सुनो और इसका मीनिंग भी अच्छी तरह से सुनो। जैसे देखो बच्चों, हम लोग क्लास में पहले भी करते थे, जब भी मैं तुम लोगों को ये शब्द अर्थ करवाती थी तो मैं उसमें तुम लोगों को नंबर लिखवाती थी, ओके। तो अभी भी तुम लोग सब नंबर लिखोगे, नंबर लिख कर ही तुम ये शब्द अर्थ पढ़ोगे, क्योंकि मैं बहुत सारा जो है लंबा लंबा जो शब्द अर्थ है वो मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो अब देखो, नंबर वन लिखो, उसमें लिखो मेहनती। मेहनती मीन्स परिश्रमी, यानी कि जो परिश्रम करता है, खटता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेहनती। नंबर 2 में देखो है वस्तु। वस्तु मीन्स चीज, थिंग, कोई चीज, जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, वैसा। निठल्ला मीन्स बेकार, जो काम नहीं करता है, सिर्फ आराम करता है, ठीक है, जो कुछ नहीं करता है उसको निठल्ला बोलते हैं। एहसान मंद नहीं करना है, 3 तक फिर से देखो, मेहनती नंबर 1, वस्तु नंबर 2 और निठल्ला नंबर 3, ठीक है। नंबर 4 में चले जाओ आदेश। आदेश, आदेश मीन्स हुक्म देना या आज्ञा, यानी कि ऑर्डर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर फोर में देखो आदेश है, ओके। हुक्म या आज्ञा, इन दोनों में से तुम सिर्फ एक कर सकते हो जो तुम्हें इजी लगे, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 5, तोहफा। तोहफा मीन्स उपहार, यानी कि गिफ्ट, ठीक है। क्षमा, नंबर 6, क्षमा। क्षमा मीन्स माफी, किसी को माफ कर देना, अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ कर देना। नंबर 7, रफ्तार। रफ्तार मीन्स गति, यानी कि तेज दौड़ना या आस्ते चलना या तेज दौड़ना, जैसे पढ़ाई में भी कोई बहुत आगे होता है, दौड़ते वक्त भी उसको गति बोलते हैं, ठीक है। ठाट बाट, शान शौकत मीन्स एकदम, ठाट बाट मीन्स कोई एकदम हाईली एकदम लाइफ को जी रहा है, पूरा एकदम ठाट बाट के साथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 8 तक हम सिर्फ करेंगे, ये नम्रता और अमूल्य। नम्रता मीन्स होता है एकदम नम्र भाव से, ठीक है, एकदम रेस्पेक्ट करके किसी को बोलना, तो उसी को नम्र। अमूल्य मीन्स जिसका कोई मोल नहीं हो, है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जैसे माँ का प्यार, उसका कोई भी मोल नहीं होता है, जिसे हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, उसे ही हमें हम अमूल्य बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब तुम लोगों ने देख लिया, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, मेहनती नंबर 1, परिश्रमी, मेहनती का जो मीनिंग है। नंबर 2 में वस्तु, यानी कि चीज। नंबर 3 निठल्ला, ठीक है। नंबर 4 चले जाओ, ये एहसान मंद को नहीं करना है। नंबर 4 में आ जाएगा आदेश। आदेश मीन्स हुक्म या आज्ञा, इन दोनों वर्ड में तुम कोई एक भी करना, दोनों नहीं करना है। नंबर 5 तोहफा, उपहार। नंबर 6 क्षमा, यानी कि माफी। नंबर 7 रफ्तार, यानी कि गति। और नंबर 8 ठाट बाट, यानी कि शान शौकत। ये 8 जो वर्ड मीनिंग है, यानी कि शब्द अर्थ है, ये तुमको अपने कॉपी में करना है,
ठीक है, ये मैं तुमको ऑफलाइन में वर्क दूंगी, अभी नहीं करना, अभी सिर्फ सुनो। अब देखो मैं इस पार्ट का जो चैप्टर में बहुत सारे मौखिक या बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पेज नंबर 51 में है मौखिक, सोचिए और बताइए, इसको नहीं करना है कॉपी में, इसको सिर्फ तुमको सुनना है। जैसे मंगू कैसा आदमी था, तो तुमको लिखना है मंगू बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, राजा ने मंगू को अपने महल में क्यों रखा, तो राजा ने मंगू की ईमानदारी से खुश होकर उसे अपने महल में रखा। अब देखो असली सुख का एहसान कब होता है, तो असली सुख का एहसान आदमी को क्या होता है, परिश्रम करने से होता है। इस कहानी में हमको यही बताया है कि क्या होता है, मेहनत करके जो सुखी मिलती है वही असली सुख है। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 52, ठीक है, पेज नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि हमको लिखित यानी कि ये हमें करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, मैं इसको बाद में तुमको ऑफलाइन में मैं तुमको वॉक दूंगी। ठीक है, मैं अभी सिर्फ तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसने किससे कहा सही उत्तर में सही निशान लगाइए, यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे दो आंसर है, ठीक है, और दोनों आंसर में बॉक्स है, तो इसमें जो राइट आंसर है उसमें तुमको टिक करना है, ठीक, यानी कि राइट निशान लगाना है। ठीक है, नंबर क, मुझे महाराज से मिलना है, ये किसने कहा था, मंगू की पत्नी ने कहा था कि नहीं, मंगू ने द्वारपाल से कहा था। ठीक है, तो आंसर होगा मंगू ने द्वारपाल से कहा था। तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, ये किसने कहा था, राजा ने मंगू से कहा था या द्वारपाल ने मंगू से कहा था, तो आंसर होगा राजा ने मंगू से कहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 था और यहाँ पे 3 आंसर है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो तुम्हें करना है। जैसे मंगू कौन था, ठीक है, मंगू एक सिपाही था, मंगू एक किसान था और मंगू एक द्वारपाल था। यस राइट, मंगू एक किसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख, राजा का हार किससे बना था, यानी कि किस चीज से बना था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 है सोने से, आंसर नंबर 2 है चांदी से और आंसर नंबर 3 है हीरो से। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 होगा हीरो से। अब देखो क्वेश्चन नंबर ग, महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया, यानी कि महल में वह कितने दिन तक रहा, उसके बाद वो घर वापस चला गया। तो नंबर 1 है 10 दिन, नंबर 2 है 20 दिन और नंबर 3 है 15 दिन, तो लास्ट 1 का आंसर होगा 15 दिन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये सब मैं तुमको ऑफलाइन में लिखकर भेज दूंगी, अभी सिर्फ मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ। राजा का हार मंगू को कब और कहाँ मिला, क्वेश्चन नंबर ख, मंगू महल से क्यों चला गया था, और क्वेश्चन नंबर ग, राजा ने मंगू को क्या तोहफा दिया। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये सब मैं तुमको ऑफलाइन में लिखकर भेज दूंगी, अभी नहीं करना है। पाठ से आगे यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये लेसन में नहीं है, तुम्हें अपने आप लिखना है। यदि आपको रास्ते में कोई कीमती चीज मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसे तुम्हें अपने आप लिखना है। राजा का हार पाकर मंगू क्या सोच रहा होगा, ठीक है, ये बुक में नहीं है, ये अभी तुमको नहीं करना है, मैं जब बोलूंगी तब करना है। ओके, अब देखो यहाँ है भाषा ज्ञान, यहाँ पे कुछ है जो व्याकरण से दिया गया है, ग्रामर पोर्शन से। ठीक है, क्रिया कर्ता कर्म और मुहावरे है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, वे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। अब तुमको क्रिया क्या है, तो इसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जो काम करता है वर्ब, डूइंग वर्ड बोलते हैं ना वर्ब को, वही है ये क्रिया। ठीक है, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको अंडरलाइन करना है कि उसमें क्रिया कौन है। नंबर क, मंगू खेत में हल चला रहा था, तो डूइंग वर्ड यानी कि जो हम करते हैं कार्य उसी को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे डूइंग वर्ड है कि
चला रहा था, यानी कि हल चला रहा था, तो ये क्रिया है, ठीक है। तो इसको तुम अंडरलाइन करोगे। उसके बाद ख में है, राजा खेत के पास से गुजर रहे थे। इसका आंसर तुम्हें अपने आप करना है, सिर्फ अंडरलाइन करना और कुछ नहीं करना है। मंगू ने जोर से कई बार आवाजें लगाई, मंगू ने हार उठाया, मंगू अपने घर आ गया। अब तुम इसको ट्राई करोगे, अगर तुमको कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो तुम पूछना मुझसे, ठीक है, व्हाट्सएप में या फोन करके। तो ये एक मैं तुमको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो है तुम खुद करना, ठीक है, ट्राई करना। हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं तथा काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म मतलब कोई काम करना, और कर्ता मतलब जो करता है, ठीक है। जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, तो मिस क्या कर रही है, पढ़ा रही, तो मिस जो है करता है, और मैं कर्म क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है, तो वही है। अब आप कर्ता शब्द पर गोला, ठीक है, और कर्म शब्द पर रेखांकित कीजिए, यानी कि सर्कल बनाइए जो करता है, ठीक है, और जो कर्म है वो क्या काम कर रहा है। जैसे मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, शिक्षक हमें पढ़ा रही है, तो शिक्षक जो हो गया वो कर्ता हो गया, और पढ़ाना जो है मेरा कर्म है, मेरा काम है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 6 तुमको वर्ड दिया है, जिसमें कर्ता जो है उसको सर्कल करना है, और जो कर्म है उसको अंडरलाइन करना है, समझ में आ गया। एक मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मंगू गाँव में रहता था। यहाँ पर कर्ता कौन है, बोलो मंगू है, ठीक है, और वो कर्म क्या करता है, वो गांव में रह रहा था, गांव है, और रहता था क्या हो गया, वो हो गया क्रिया भर्व, ठीक है। भर्व तो यहाँ करने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर दूसरा नंबर है, मंगू परिवार से मिलने गया। तो यहाँ पे जो करता है वो मंगू है, मंगू काम कर रहा है, और परिवार जो है वो कर्म है, वो अपने परिवार से मिलने गया, और यहाँ पे भर्व है मिलने गया। तो देखो यहाँ पे भी 4 जो क्वेश्चन है मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, वो मैं तुमको नहीं बताऊंगी आंसर, तुम इसको ट्राई करना, और अगर नहीं हो सके तो मुझको पूछना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ट में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आंसर दिया गया है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है, इसको क्रिया जो भर्व का सही रूप लिखना है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ, घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे, यहाँ पे गिरना लिखा है, गिरना नहीं होगा आंसर, आंसर क्या हो गया, गिरी होगा, इसको तुमको चेंज करना है, क्रिया राइट वर्ड लिखना है, ठीक है। तो मंगू ने हार को पेड़ की टहनी पर लटकाना होगा, राइट आंसर तुमको लिखना है। मंगू ने द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछना होगा, नहीं। किसान ने सारी बातें राजा को बताना होगा, नहीं। मंगू महल में वापस न लौटना होगा, लौटा होगा, ठीक है। तो 2 आंसर मैंने बताया, और इसका तुम क्रिया को जो चेंज करके राइट क्रिया का, यानी कि डूइंग वर्ड वर्ब का जो राइट फॉर्म है, उसको तुमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने तुमको क्या किया, कुछ मैंने तुमको 2-3 एक्सप्लेन किया, और 2-3 तुम लोगों के लिए छोड़ दिया, तुम इसको वर्क करना, ठीक है। तो ये अगर तुमको कोई भी कठिनाई होगा तो तुम प्लीज़ करके मुझको व्हाट्सएप में, या तो जो नहीं सकोगे तो मुझको पूछना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, पेज नंबर 51, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53 मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, और ये जो क्वेश्चन आंसर है और शब्द अर्थ है, ये मैं तुमको कल ऑफलाइन में मैं तुमको ये इसका सारा आंसर दे के मैं तुमको भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा वर्क है, तो ये तुम अब इसको अपने आप करना, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो अपने कॉपी में तुम लोग लिखोगे होमवर्क कॉपी में, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारा कुछ कठिन शब्द, क्वेश्चन नंबर 2 होगा शब्द, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये मैं तुमको कल ऑफलाइन में क्वेश्चन आंसर सब दूंगी, ओके। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।